मैं शोभा वेलकम करती हूँ आपका होम गार्डनिंग चैनल पे। आज फरवरी की 24 डेट है। इतना खुशनुमा मौसम हुआ है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, इसलिए मेरा मन हुआ कि आपको आज आपका अपना घर का फ्रंट गार्डनिंग दिखाती हूँ। उसमें मैंने कुछ बोनसाई पॉट खुद से तैयार किए हैं, वो मैं आज आपको उसका व्यू कराऊंगी। ये है फाइकस, ये लगभग हो गया है, ये 5 साल का है, ये 5 साल पुराना पेड़ है मेरा, और इसको मैंने इस तरह से डेकोर किया हुआ। अभी कुछ डेकोरेशन इसमें बाकी है। एक ये छोटा, पता नहीं क्यों आज मुरझा सा गया ये पेड़, ये रखा हुआ है मैंने। ये पुराना फाउंटेन मेरा ख़राब हो गया था, और मतलब ये है दूसरा वेराइटी फाइकस की, ये देखिए। और ये है जेड प्लांट, कितना खूबसूरत हो रहा है, इसकी पत्तियाँ देखिए आप, ये देखिए। ये भी करीब 4-5 साल का पेड़ है, ये मैंने उसी में से काट के बनाया हुआ है। ये देखिए अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, मैं इसको अच्छा सेप दूंगी अभी कुछ दिन बाद ही, थोड़ा सा और ग्रोथ हो जाए इसकी। और ये मेरा ये क्या चमेली शायद इस प्लांट को कहते हैं। अभी सब में पतझड़ हो रहा है ना, इसलिए अभी बस नए वर्ड निकलने वाले हैं। देखिए इसमें मैंने कुछ पिटोनिया के प्लांट डाले हुए हैं, और ये है गुड़हल का, ये देखिए इसको थोड़ा बहुत सेप दिया हुआ है मैंने बोनसाई का। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त, सुबह का 8 बज रहा है। और ये है एक प्लांट, ये भी है मेरा, इसमें छोटे छोटे फूल अभी आए हुए हैं मेरे, देखिए। अब मैंने इन सारे स्टोन्स को डेकोर करना, पेंट करना है, फिर मैं आपको इसका व्यू दोबारा से करवाऊंगी इस तरह मैंने किया है करके। इसको क्या कहते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन होता बहुत खूबसूरत है। आजकल तो इसका कलर ख़राब हुआ है, तो जैसे अब ये अच्छा मौसम आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया, तो देखिए। और ये मेरा प्लांट जो बहुत खूबसूरत हो रहा है, ये देखिए। और एक वैरायटी और है येल्लो की, अभी दिखा दूँगी आपको मैं, ये स्पाइडर देखिए। ये मेरी छोटी इंडोर प्लांट ये है, एक बोनसाई ये है मेरा, देखिए बोगनवेलिया का है, बहुत सुंदर था। ये हिबिस्कस, इसमें पतझड़ हुआ है, वो भी देखिए थोड़े दिनों में इसमें ये काफ़ी बर्ड तो निकलने लग गई हैं, ये कीड़े हुए लगे। और एक बोनसाई ये है जिसमें अभी फ्लावरिंग होने वाली है, पिंक कलर का, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं ये खिलने के बाद, और इसमें कुछ खास मेहनत भी निकलनी पड़ती है। और ये हो गया पेंजी, एस्पेरेगस देखिए, ये मैं अभी नए प्लांट लेके आई, ये मेरे बहुत बड़े हो गए थे, पता नहीं क्यों सूख गए, अभी मैं नए लेके आई हूँ ये दो प्लांट एंट्रेंस पे रखने के लिए अपने। ये मेरे घर का व्यू है, ये मैं आपको अपनी बालकनी दिखा रही हूँ, विंटर गार्डनिंग। अभी तो स्प्रिंग आ गया है, लेकिन ये लगाए विंटर में थे, ये देखिए यहाँ से मेरा डॉगी देख रहा सीजन मेरा।
सीजर हेलो। आपको अच्छी तरह दिख पा रहे होंगे और वो मेरी ऊपर रूप गार्डनिंग से कुछ लटके हुए हैं नीचे का, वहाँ भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई और ये प्लांचो ने तो जहाँ रहे बाहर आई है प्लांचो पे। और मैं अपने बोगन बीते और दिखाती हूँ घर का, ये है ये मेरे गार्डन आगे छोटा सा लॉन है उस पर लगा हुआ है। ये है विस्कस, ये एंटीरिया और मैं आपको इस तरह से अपना व्यू स्टैंड का दिखाती हूँ। इस तरह से हमने बनाया हुआ ये बहुत अच्छा लगता है जब चिलचिलाती गर्मी में इन हरे भरे प्लांट को देखते हैं। अभी तो बहुत अच्छा सीजन है लेकिन आने वाले समय पे गर्मी पड़ने वाली है तो कुछ राहत तो पौधों से हमें मिल जाती है। ये देखिए और ये है मेरा मनी प्लांट, कुछ अभी अच्छा हुआ नहीं है ये। और ये सिंगोनियम एक मेरे पास बोगनवेलिया की दूसरी वेराइटी है आपको दिखा दी। ये देखिए ये भी बोनसाई बनाया हुआ है मैंने छोटे से पॉट पे है ये इस तरह से। ये देखिए और ये कैलेंडुला, कीड़े बहुत हो रहे हैं आजकल इन प्लांट पे, दवा मैंने छिड़कनी है। ये सब कैलेंडुला है, ये सदाबहार हो गया, इसके भी दो तीन कलर है मेरे पास। और ये हो गया कोलियस, काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसके दो वेराइटी हैं, एक और कलर तो काफ़ी सारे दो तीन आते हैं मेरे पास दो हैं ये। और एक बोगनवेलिया और दिखा दो, बहुत खूबसूरत इस वक्त हो रहा है ये देखिए अब ये मैंने बोनसाई तैयार किया हुआ है इसका। ये दो तीन शायद 3 साल पहले मैंने ये लगाया हुआ था। ये देखिए ये पिंक कलर का था ज़्यादा, थोड़ा बहुत वाइट, लेकिन अभी सारे वाइट ज़्यादा दिख रहे हैं, पिंक कम। और ये होगी सेकेंड हैंड में इस वक्त इनमें फूल आए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके फ्लावर लग रहे हैं छोटे से। ये है मेरा इसका ना पिटूनिया, अभी इसमें शायद सारे वाइट कलर के हैं, अभी क्लियर नहीं है, जब फ्लावरिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे वेस्ट कप थे जो इनका हैंडल टूट गया था, इनमें मैंने ये सेकुलेंट लगाए हुए, देखिए ये इस तरह से। और ये है एलोवेरा कई है ये, इसमें कुछ सेटलमेंट है मेरे, अभी ये नए नए मैंने लगाए हुए हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे मैं आपको फिर से व्यू कराऊंगी इनका। और ये है मेरा डेजर्ट रोड अडेनियम, अब इनमें टाइम हो गया फ्लावरिंग का। ये देखिए न्यू लीव जिन निकल रही है इनकी, ये सारे मेरे यहाँ पे रोज प्लांट। देखिए फ्लावर निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। और ये है कनेर का प्लांट, इनमें भी फ्लावर स्टार्ट हो गए, अब हर प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई क्योंकि अब इन सब का खिलने का वक्त आ गया है। अभी तक तो अपनी
सोए पड़े थे। ये इतना खूबसूरत ये कलर है, देखिए ये रोज है येलो कलर का। एक बर्ड और निकल रही यहाँ पे, ये सारे हिबिस्कस हैं, ये येलो कलर का हिबिस्कस है, येलो और रेड, बहुत खूबसूरत लगता है जब खुलता है। अभी छोटे ये सब कटिंग की हुई है, अब इनमें निकल रहे हैं। देखिए ये मैंने दो दो प्लांट एक साथ डाले हुए, येलो कलर का प्लांट दिखाती हूँ आपको। यही मेरा येलो कलर का प्लांट है, देखिए ये मेरा तुलसी का पॉट है, मैंने घर के कोने पर बनाया हुआ है, खुद से मैंने ये कारीगर को बता बता के मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ है, देखिए। और ये कलर मैंने खुद किया हुआ है, और इसमें ये फाइकस है मेरे छोटे छोटे। और बालकनी में देखिए, आप मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। इसमें मेरे टमाटर के प्लांट लगे, जिनमें काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो।